नीट परीक्षा के परिणाम में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि नीट परीक्षा, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी परीक्षा में से एक है, उसका पेपर भी लीक हो गया है। देश का युवा बेरोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रहा है। नीट की परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, परंतु आनन फानन में 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन ही नीट का परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इससे सवाल उठता है कि किस गुनाह को छुपाने के लिए इसका परिणाम उस दिन घोषित किया गया, और जिस प्रकार 68 बच्चों को पूरे 720 अंक दिए गए हैं, एक ही कोचिंग के कई बच्चों को 720 अंक दिए गए हैं और कुछ बच्चों को 718 719 अंक भी दिए गए हैं, जो कि असंभव है, क्योंकि एक प्रश्न छोड़ देने या गलत करने पर 4 या 5 नंबर कम होने चाहिए, तो 718 या 719 नंबर कैसे दिए जा सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि नीट की परीक्षा में गंभीर त्रुटि और भ्रष्टाचार किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि परीक्षा फल की उचित स्तरीय जांच की जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए। आज केवल उत्तर प्रदेश का एक मैटर नहीं है, पूरे देश के नीट में बैठे हुए छात्रों के भविष्य से संबंधित जो ये हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं, जो राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है जिलाधिकारी के माध्यम से। इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि क्या हिंदुस्तान के और प्रदेश के युवाओं के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होता रहेगा। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चों, पुलिस भर्ती वाले बच्चों का पेपर लीक हुआ, जो परीक्षा निरस्त हुई, आरओ और एआरओ की परीक्षा निरस्त हुई, जिसमें हजारों बच्चे पास हुए थे, उनका रिजल्ट जो है कैंसिल कर दिया गया, वो परीक्षा भी निरस्त हुई। इसके बाद ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है नीट जो है, जिसमें पूरे देश के करोड़ों छात्र जो है अपियर होते हैं, और वो परीक्षा का अगर पेपर लीक होता है या परीक्षा में गड़बड़ी पाई जाती है, तो इसके लिए सीधे सीधे शासन और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और उसका कारण ये है कि जो 720 अंक का पेपर होता है, उसमें 720 तो आ सकते हैं, लेकिन 718 और 719 नंबर आने का कोई प्रावधान नहीं है। कारण उसका, एक क्वेश्चन गलत होने पर 4 नंबर माइनस होंगे, और एक नंबर और अगर बढ़ा देंगे तो 17 हो सकते हैं, लेकिन किसी कीमत में 718 और 719 नंबर आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिससे प्रतीत होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हुई है, और जो गरीब बच्चों, होशियार बच्चों के साथ ये मतलब नाइंसाफी हुई है। इसलिए हम लोग जो है मांग करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया इस परीक्षा को निरस्त करें, और निरस्त करने का के साथ साथ परीक्षा दोबारा कराई जाए, जिससे होशियार बच्चों का भविष्य संभल सके। वो आज बच्चे जो है बेचारे घर में बैठ करके, बहुत से बच्चे आत्मदाह करने की सोच रहे हैं। अगर कहीं कोई कैजुअल्टी होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इतने बड़े घोटाले के लिए केंद्र सरकार इसको में त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और इस परीक्षा को निरस्त करने देना चाहिए। आम आदमी पार्टी परीक्षा के निरस्तीकरण से पहले किसी बात को मंजूर नहीं है। यस हाँ यस। आज हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो नीट की परीक्षा हुई है, इसके खिलाफ एक प्रदर्शन करा है। इसलिए क्योंकि जो नीट की परीक्षा हुई है, इसका रिजल्ट जो आना था 14 जून को आना था, मगर ये जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आउट हुआ, उसी दिन नीट की परीक्षा का रिजल्ट आउट कर दिया गया। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को, कम से कम 67 बच्चों को 720 में 720 नंबर मिले हैं। उसी के साथ साथ कुछ बच्चों को 719 और 718 नंबर में मिले हैं। जैसा कि नीट का क्वेश्चन कम से कम 4 नंबरों का होता है, अगर 4 नंबरों का क्वेश्चन होता है तो अगर एक क्वेश्चन कम करा है तो 719 से 718 आने की क्या ज़रूरत थी? या तो 4 नंबर कम आते या पूरे आते। उसी के साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, जो इस नीट के पेपर में घोटाला हुआ है, इसको निरस्त किया जाए और इसको नीट के दोबारा से परीक्षा कराई जाए। इसके जो दोषी हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए,
और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए।